हाँ भाई, क्या चल रहा? मिसिंग फिर गैप। मैं कब तो शादी भी हो गई, अब तो एक्साइटमेंट दिखाओ। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। अरे हमें बताओ यार, हम मजे लेंगे कम से कम, वीडियो बनाने का टॉपिक तो मिले। मुझे तो भाई पता नहीं मैंने और क्या कर रहा है। मैं आज इंस्टाग्राम पे गया नहीं और ट्विटर पे कोई अपडेट आई नहीं। ट्विटर पे मजे लेने के लिए तुमने फिर से बना के शुरू कर दिया मुनव्वर फारूक की मिसिंग। दूसरी तरफ क्या है कि हर जगह पे मुनव्वर है वैसे। वो खुद आज एक्टिव नहीं हुआ। कल बच्चे का बर्थडे बनाया, किसिंग विसिंग करी, केक कटिंग करी और उसके बाद गायब हो गया। पर मीडिया में हर जगह वही है और जो मुनव्वर की जनता है वो मीम बना रही है इस पे। यार स्टैंड अप कॉमेडी में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो आके। ओके चलो, आगे नहीं पीछे नहीं, ये नहीं वो नहीं, आई लाइक यू आई डोंट लाइक यू, यहाँ पे बोला नहीं जा रहा आपसे। हाँ, अभी खबर आई है उसकी जो बीवी है ना, कौन है, मैजबीन नाजनी मन तू है उसी पर बादशाह जैसा कोई भी नहीं, हिना खान ने इंट्रोड्यूस कराया था, ऐसी खबर आ रही है। मैं कहा ये तुम्हें अभी पता चला? ये तो जिस दिन उसने वो स्टोरी डाली थी ना, उसके थोड़ी देर बाद ही समझ में आ गया था मुझे कि ये इसकी फ्रेंड होगी उसी के बाद, क्योंकि बिग बॉस के तो बाद ही मिला था, इतना तो मैं श्योर हूँ। पता प्रॉब्लम क्या है, मेरे को एक डाउट भी आता साथ ही साथ कि एक तो बहुत छोटे समय में तुमने डेट किया, एक दूसरे को पसंद किया और फिर शादी भी कर लिया, अब बस ये चल जाए बस इतनी दुआ है। बोलना यार ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन कभी सही नहीं होते। मेरे से पूछो ना, मैं गलत डिसीजन लेने का बादशाह हूँ। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ तो बस मनोवर से रिलेटेड उतना ही था आज जितना मैं बता सकता हूँ, बाकी तो मुझे भी नहीं मालूम। और क्या है, वो एल्विश यादव ने वो कर दिया था कुछ रफा दफा, फिर उसने बोला कि वो ध्रुव राठी पे एक्सपोज वीडियो बनाने वाला है। तो ये सुन के पता नहीं केआरके को बुरा लगा क्यों, तो उसने स्टोरी डाल दी एल्विश को विश करके, यादव करके, कि तू तेरे को तो अपना असली नाम भी पसंद नहीं इसलिए नकली नाम लेके घूमता है, लोगों को लगा ये ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहा है। तो फिर एल्विश की आर्मी आई और उन्होंने केआरके को झाड़ना शुरू कर दिया, ये जर्मन चपड़ के कुत्ते, अलग ही दुनिया है भाई साहब। ऋषि सोनक को इंडियन मान लेंगे, है ये फॉरेन कंपनी में जब कोई क्या इंडियन ओरिजिन का मालिक बनता है तो प्राउड इंडियन हो जाएंगे, जबकि उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ रखी है। बट ध्रुव राठी जो इंडिया में पैदा पला बड़ा है, तू जर्मन से पढ़, अबे कोई सच मन नहीं है इस बात की। तो उसके बाद आज उसने एक वीडियो डाल दी, अब सब जगह पे वही चल रहा है कि अल्पेश यादव को पेल दिया, क्या किया, कूट दिए। भाई देखो उसका लीगल नाम मेरे ख्याल से अभी भी सिद्धार्थ यादव ही है, वो उसके बड़े भाई की याद में उसने एक रखा हुआ है जो मुझे नहीं लगता क्वेश्चनेबल भी होना चाहिए, तो स्पेशली जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसको ट्रिब्यूट देते हुए करा हुआ है उसने, और मेरे ख्याल से वो लकी है उसके लिए नाम चल रहा है। इसमें क्यों रिलीजन घुसेड़ रहे हो तुम, फिर तुम्हारे रिलीजन से रिलेटेड वो बोलता है तब तुम बोलते हो कि गलत बात कर रहा है, तो रिलीजन को साइड रखो, उसकी रिस्पेक्ट रखो, बाकी ये किसी की आस्था वास्ता या बिलीफ पर मत जाओ। बाकी तुम्हें जो कहना है कहो यार, किसी आपके नशे करवा रहा है, भले ही कोर्ट ने प्रूव नहीं किया। आपने तो सलमान खान के बारे में इतना बोला कि उसके वो क्या कहते हैं फार्म हाउस में मुड़ते लाशें गिरी पड़ी हैं, आपकी बातों पे तो ऐसी कोई लॉजिक नहीं होती। डर के मारे भागे हुए लंदन, ब्लेम करते हैं मुंबई पुलिस को। अरे मुंबई पुलिस जो भी करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करेगी ना, उनके हाथ में जो पावर है। नहीं नहीं मैं सलमान से डरता नहीं है, बट लंदन में छुप के बैठा कि एक्स्ट्राडिक्ट ना कर पाए। बात तो सही है। एक पागल की बात हो गया, दूसरे पागल में चलते हैं बालकृष्णन। पता नहीं यार इस बंदे की फैन फॉलोइंग क्यों है, मेरे को फेसबुक पर इसकी वीडियो दिखती रहती है, अभी आज ही देखी है, जहाँ पे एक मुक्का मारता है बंदा उड़ के ड्राइवर सीट की जो खिड़की होती है ना उसमें टकता है और गाड़ी स्पिन करने लगती है, फिर उसको घूमती हुई गाड़ी से उठा देता। मैं कहा अजय देवगन कुछ भी। हाँ तो इसका क्या हुआ है, अरे कोई इवेंट था तो ये स्टेज पे चढ़ा, इसको जगह नहीं मिली, मतलब जगह थी बट लोग सही से खड़े नहीं थे, तो वहाँ पे दो लड़कियाँ खड़ी थी, तो उसने पहले बोला शायद दोनों में से किसी ने सुना नहीं, तो इसने कोई अंजनी नाम की लड़की थी उसको धक्का दे दिया, चल बे। तो ये हुआ, तो इसके बाद लोग ऑफेंड हो गए, लोग बोले ऐसा कैसे कर सकता, बालकृष्ण इतना वेल नोन आदमी है, इतने सालों से इंडस्ट्री में लोग रिस्पेक्ट करते, तो लोगों ने हंस के डाल दिया, बट अभी इसने पी रखी थी। एक दिन ना सेलिब्रिटी के साथ ये सब सब सही लगता है, उनसे कुछ भी मिस्टेक हो जाए या उनकी मिस्टेक खुरापी हो, बट पब्लिक आई में लग जाए कि वो गलती है।
इसने पी रखी थी, तुमने बदतमीज बड़ा पी रखी थी, भले वो सोबर बैठो पी रखी थी। इसके साथ भी शुरू हो गया कि दारू पी के आया हुआ था स्टेज पे। फिर जो शो के ऑर्गेनाइजर थे या मेकर थे, उन्होंने आगे बोला अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, पानी था, जूस था वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। बट इंटरनेट तो इंटरनेट है, वो बोले ये क्या है, जूस ऐसे कलर का होता है, एप्पल जूस पी रहा था वो। चल मैं चल झूठा। इसके अलावा कोटा फैक्ट्री का रिलीज डेट निकाल दिया, मैं कहा ट्रेलर निकालो ट्रेलर रिलीज, पता नहीं साले इक्वेशन दे। मैं कहा इतनी मैथ आती तो मैं बैठ के यूट्यूब वीडियो बना रहा होता, है साइंटिस्ट नहीं बन जाता मैं, साला इक्वेशन देके चले गए। अरे मेरे को प्लॉट देखना है, ये क्या दे रहे हो साला होमवर्क। हाँ तो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को नहीं आता बोर्ड मार्क्स, तो ये मैं गया कमेंट सेक्शन में, तो उसके हिसाब से 20 जून को आने वाला है। मैं कहा बताओ 28 तारीख को अभिषेक त्रिपाठी बन के आए, अब 20 तारीख को जीतू भैया बन के आओगे, तो ट्रेलर तो दे देते अभी 20 दिन पहले, वो तो नहीं देंगे। अब साला एक दो दिन में फिर से रिचार्ज हो जाएगा मेरा, अब मैं सोच रहा कैंसिल करूँ कि नहीं करूँ, खुद जिंदगी बना रखी है मेरी। इसके अलावा कौन है न्यूज़ में, इसके अलावा है सनी देओल। सनी देओल क्यों, सनी देओल पे किसी प्रोड्यूसर ने एक्सटॉर्शन का इल्जाम लगाया ना, चीटिंग और एक्सटॉर्शन का, बस ये मेरे को न्यूज नहीं, मैंने बोल दिया। मैं कहा सनी पाजी आप भी अभी यही चीज अल्पेश यादव पे होती ना तो सब मान के बैठ जाते हैं। मैं सनी देओल पे तो फिर थोड़ा सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है। हाँ मतलब अभी क्या इल्जाम है ना, तो वो सियाप का वाला केस था उसमें भी इल्जाम था, गमला वाला केस था उसमें भी इल्जाम है, अक्यूज है वो, अभी तक वर्डिक्ट नहीं आई किसी भी चीज़ में। बट वही आज भी वही चल रहा है, उसने वो कर दिया पीओके वाला कर दिया था, ऑल आइज ऑन पीओके, तो उस पर शुरू हो गए सब उसको गलियाने के लिए, और उसके मम्मी पापा की रोते हुए फोटो देख रहे हैं कि ये मत भूलना। अरे हो गया ना, छोड़ो ना, तुम्हें अगर हिंदू मुस्लिम ही करना तो करते रहो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट कुछ दिनों की बात है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, फिर देखते आगे क्या होगा, ये कंटिन्यू रहेगा जो नफरत की दुनिया में हम बैठे हुए, या सच में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या पता अपने पुराने घटिया दिन वापस आ जाए। हाँ तो बस आज के लिए इतना ही है, 12 मिनट रिकॉर्ड गया, 8 मिनट कैसे निकलेंगे मुझे भी नहीं मालूम। साला मैं सोचा रहा था, ये मैंने सोचा नहीं यार कल, वरना मेरे को आज पंचायत की न्यूज़ देनी चाहिए थी, पंचायत आज बताता तो टाइटल बना देता कल। साला मैंने बनाया, मेरे दिमाग में नहीं था कि पंचायत का मैं टाइटल बना सकता हूँ, अभी जाके चेंज करूँगा मैं। बाकी पॉलिटिक्स चल रहा है, वो अरविंद केजरीवाल ने बेल्स को बढ़ाने की बात कर दी अपने हेल्थ रीज़न पे, ईडी भड़क गया, कहता है अच्छा अच्छा अभी हेल्थ याद है तेरे को, जब तेरे को प्रचार करना था कैंपेन करना था घूम घूम क्या किया तूने, तब तेरा हेल्थ का फिक्र नहीं था तुझे, अभी जैसे तेरे को जेल वापस जाना है तेरा हेल्थ का रीज़न आ गया, तुमने मजाक बना रखा है। सेम चीज़ निर्मला है ना, निर्मला सीतारामन, वो भी कह रही है कि कोर्ट को इंसल्ट कर रहे हैं। मैं कहा कोर्ट इंसल्ट वो कर रहा है, आपने जो फाइनेंस का इंसल्ट किया उस पर ही बोलते हैं, उसके आगे पीछे मत जाओ, लोगों के साथ जो मजे लिए आपने उसके आगे मत जाओ, खुद दू काट रखा सबका हर बजट में। चलो लाइक कर देना, पीस आउट।